अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कोलकाता को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने वाले। तो मैं थोड़ा बहुत क्यों कह रहा हूँ वो तो मैं आगे बता ही देता हूँ। बट कोलकाता को दोस्तों कलकत्ता भी कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। तो अगर दोस्तों मैं वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो हमने दार्जिलिंग के भी दो तीन वीडियो बनाए हैं। खैर इसके पहले के दो तीन वीडियो दार्जिलिंग के, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो दार्जिलिंग, तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, कोलकाता में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने जैसी है, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, फिर बहुत सारे म्यूजियम्स है वहाँ पे, क्रिकेट लवर्स के लिए ईडन गार्डन है, फिर होवरा ब्रिज है, मतलब बहुत सारी चीजें दोस्तों वहाँ पे देखने जैसी है। बट दोस्तों सैडली हमने इसमें से कुछ भी चीज एक्सप्लोर नहीं की। अब इसके मैं रीजंस बताता हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे ये थी कि हमारी जो फ्लाइट थी वो बहुत जल्दी थी, मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन भी हमारे पास नहीं था। लगभग 6 से 7 घंटे हम लोग कोलकाता में थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पे बहुत ज्यादा दोस्तों धूप थी, तो जब हम एक्सप्लोर करने निकले तब हमें पता चला कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड है यहाँ पे, और यू नो बहुत समर था तो बहुत ज्यादा पसीने भी आ रहे थे और थक गए थे हम लोग। और दूसरी चीज ये थी कि हम लोग ने पिछले दिन ही बहुत ज्यादा ट्रैवल किया था, तो उसके वजह से भी थोड़ी बहुत थकावट हुई थी और हमारी एनर्जी ऑलमोस्ट डाउन हो गई कोलकाता पहुंचते। तो दोस्तों इसके वजह से हम ज्यादा चीज तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट दोस्तों इस सब के बावजूद भी हमने दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, इको पार्क और बोरा मार्केट, ये तीन चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लोर की। तो वही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। और अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने सिक्किम के पहले वीडियोस नहीं देखे तो वो भी एक बार देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा और आपको भी मन करेगा यार सिक्किम जाने का, क्योंकि है ही सिक्किम इतना ब्यूटीफुल। तो प्लीज इस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए, और चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस हम लोग अभी कोलकाता के होटल में भी पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास करके हमें जाना है एयरपोर्ट। सो गाइस अभी कोलकाता मार्केट में थोड़ा शॉपिंग करने हम लोग जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं हम? अभी हम लोग वो काली टेंपल जा रहे हैं, और वो शायद से नजदीकी है 10-15 मिनट्स के डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे जाएंगे। नहीं नहीं चल के नहीं जाएंगे, वाया व्हीकल 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से दर्शन करके फिर हम लोग मार्केट एरिया जाएंगे। और मार्केट में स्पेशलिटी क्या है मतलब यहाँ पे? एक श्री लदर सर्किल है, वो बहुत फेमस है, तो और वहाँ पे थोड़ा मतलब सस्ते में मिलता है लेदर, तो वो है। फिर यहाँ पे कोलकाता की अलग अलग साड़ीज है, हाँ तो वो ले सकते हैं। फिर उसके आर्टिफैक्ट्स है, स्वीट्स है, रसगुल्ला है। सो गाइस यहाँ पे ये ऐसी टैक्सी होती है कोलकाता में, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ही टैक्सी से जा रहे हैं। दो तीन स्पॉट है वो देखेंगे। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे और बहुत ज्यादा धूप भी है, तो हम लोग कितना 32 टेम्परेचर है देखो, मतलब ऑलमोस्ट मुंबई जैसे ही हो गया। सो इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बाहर से ही दर्शन लेके वापस जाए, क्योंकि हम लोग को आगे के पॉइंट्स भी देखने होंगे। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट थोड़ा बाहर से दर्शन लेके, मैं एक बार देता हूँ आपको। टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है हमारा, क्योंकि हम लोग को कितना 3-5 बजे की फ़्लाइट है, तो 3 बजे पहुँचना पड़ेगा एयरपोर्ट। करेक्ट, बट ठीक है वही बाहर से हम देख सकते हैं। अरे बाबा पा नहीं पड़ी ले, बाबा भाई माने नहीं। अगर दिख रहा है तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, और धूप बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग ने इतना धूप रहेगा। ऊपर से मेरे को सर्दी भी हुआ है, सो और ज़्यादा थोड़ा लग रहा है मेरे को, डाउन हो गया हूँ मैं थोड़ा। जाके फटाफट अभी पानी का बॉटल एक ले लेते हैं यार, बहुत प्यास लगा है, पहले पानी का बॉटल लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कुछ रहेगा तो।
प्रणाली देखो गाइस बहुत थक गई है, बहुत ही ज्यादा धूप है, मेरे को भी नहीं हो रहा है, बट क्या कर सकते यार, अभी कोलकाता आए तो करना पड़ेगा, टिकट तो जाना पड़ेगा। सर सत्यम का टी शर्ट आप देख सकते हो, पूरा भीग गया है, पूरा मतलब पूरा जो एयरपोर्ट में पहनने वाला था। ये एनी टाइम फिटनेस कविता। वैसे सत्यम का एक जिम है गोरेगांव में, बटालियन फिटनेस, तो जो पास में रहते हैं गोरेगांव मलाड जोगेश्वरी अंधेरी राइट। सो गाइस अभी हम बोरा मार्केट है वहाँ पे आए हैं, होप कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बंगाली साड़ी या कुछ मिल जाए या बंगाल की कुछ स्पेशल चीज़ है वो दिख जाए, मुझे तो नहीं लग रहा है, दिख गया तो सही है, थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा उसके लिए। और यहाँ पे गाड़ी हम लोग ने यहाँ पे गाड़ी लगाई है और आगे चल के देख रहे हैं, कुछ अगर अच्छा मिले तो सही है। बट यहाँ पे हम लोग को दोस्तों मेन जो चीज़ लेनी है वो है मिठाई, यहाँ का सौंदेश फेमस है, रसगुल्ला फेमस है, तो कुछ ना कुछ तो यार कोलकाता है तो लेके जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग मिठाई देख रहे हैं, होपफुली मिल जाए मिठाई यहाँ पे, ऐसा लग तो रहा है किधर ना किधर शॉप तो दिख ही जाएगा। यहाँ पे आपको कोई हिंदी बोलने वाला मिलेगा ही नहीं, जो भी बोल रहे सब बंगाली में बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा समझ के इंटरप्रेट करके फिर लेना पड़ेगा जो भी चीज़ लेने है वो, या फिर जो भी करना है वो। ढूंढते ढूंढते एक स्वीट्स का शॉप मिल गया है, होपफुली यहाँ पे जो अच्छे बंगाली स्वीट्स है वो मिल जाए। कोलकाता से भी निकल रहे हैं, खत्म हो चुकी है अच्छी ट्रिप, फाइनल टाइम है, कैसा लगा? अच्छा लगा, हाँ मतलब पीपल इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं था, बट प्लेसेस अच्छे थे, बहुत धूप था, तो समर में आना अवॉइड करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ समर में आएंगे, विंटर में आएंगे यहाँ पे। तो तुम्हारा फेवरेट स्पॉट जितना हम लोग, मेरा तो देवन था ना, वो चोम्बो लेक, चोम्बो लेक हाँ वो बहुत अच्छा था, फिर युमथान वैली भी अच्छा था, ओके ओके, वो तो मेरा एकदम बेस्ट था। सो गाइस खत्म, ये हमारा रिटर्न फ्लाइट टू मुंबई एयर इंडिया से। पूरे ट्रिप में कुछ सब कुछ सही नहीं जाता, सब बड़ा टेढ़ा हो जाता है, जो भी कुछ भी हो जाए, पार्टी करे, एंजॉय करे, जो भी लड़े झगड़े दूसरे के खिले उड़ाए, इन दी एंड that is what matters and I'm happy. Also sad ज़्यादा, जितना eventually ख़त्म हो गई and हाँ फिर से routine पे जाना पड़ेगा। But सही था, एक trip बहुत अच्छा था यार। Obviously मस्त ही ट्रिप था वही। But
देखते हैं अभी। यस यस सो गाइस, हम लोग का ट्रिप फाइनली खत्म हो चुका है सिक्किम का, और इसका पूरा मैनेजमेंट जो है वो महेश ने किया था। सो महेश कुछ बताना चाहेगा कि क्या क्या कहाँ से तुमने मतलब ट्रैवल किया। सो लाइक ये मेरा फर्स्ट मैनेजिंग टूर था जिसमें मैंने कुछ मैनेज किया था, तो उसके लिए पहले मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, ऑलमोस्ट लाइक 25 से 30 वीडियो देखे थे अलग अलग यूट्यूबर्स के, उनका जर्नी, उन्होंने कैसे मैनेज किया था वो सब। उसके बाद फिर हम लोग ने एक प्लान बनाया था, फिर उसके बाद हम लोग ने एक फ्लिपकार्ट करके है मैनेजिंग कमिटी टूर्स एंड ट्रैवल्स, उनसे हम लोग ने कॉन्टैक्ट करके उनसे हम लोग ने पूरा ट्रिप का आइटिनरी लिया था। उसके बाद फिर हम लोग ने पूरा सेट किया था टूर, और फिर एंड टू एंड टूर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कम्प्लीट किया था। थैंक यू सो मच यार।